Hello aspirants, good morning and welcome back to 247. This is your daily current affair class. और आज की क्लास में हम अगेन 20 क्वेश्चन जो हैं उनको कवर करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए. ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन से. सो पहला क्वेश्चन दिखा दीजिए यहाँ पर. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर हियर. आपको क्या करना है, आप सारे जो क्वेश्चन उनका आंसर साथ साथ करते चलेंगे और आपको लास्ट में मुझे यहाँ पर बताना है कि कितने क्वेश्चन यहाँ पर आप ठीक कर पाए हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड लीवर डे. यू हैव टू टेल मी विच ऑफ दीज डे इज सेलिब्रेटेड एज अ लीवर डे. ओके, सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नो हियर इज 18th April. सो 18th April इज वर्ल्ड हेरिटेज डे. ओके, सो वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो कब मनाया जाता है, 18th April को मनाया जाता है. तो हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ए को. अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है उसका थीम क्या है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, यहाँ पर रूरल लैंडस्केप्स बता देंगे. मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, तब तक आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है. सो 18th April नहीं हो सकता है, 23rd April जो है उसका मैं आपको बाद में बताऊँगी. लेकिन 22nd April जो है उसको क्या मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है. यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी 19th April. सो 19th April इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड लीवर डे. यहाँ आंसर दिखा दीजिए. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, सो आपको एक और यहाँ पर जो चीज़ पता होनी चाहिए वो है हमारा 22nd April. सो इट इज सेलिब्रेटेड एज अर्थ डे. ओके, एंड द थीम वॉज प्रोटेक्ट अवर स्पीसीज. ओके, सो आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट. अगर आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही हैं, सारे पॉइंट्स अगर क्लियर हैं, तो आप इस सेशन को लाइक भी कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ फ्रॉम स्पोर्ट्स. ओके, ये स्पोर्ट्स न्यूज़ है आपके लिए और ये आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है. सो द क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग बिकेम फर्स्ट इटालियन टू विन ATP मास्टर्स 1000 टाइटल. ओके, सो ये ATP मास्टर्स का टाइटल जो है वो किसने जीत लिया है, उनका ये फर्स्ट इटालियन टाइटल है. ओके, आपको बताना है ABCD ऑप्शन में से. यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, यानी फैबियो फोग्नीनी. ठीक है, सो फैबियो फोग्नीनी इज द करेक्ट आंसर हियर. ओके, सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि फैबियो जो हैं उन्होंने ATP टाइटल जीत लिया. ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द क्वेश्चन, फैबियो फोग्नीनी रिसेंटली वोन ATP मास्टर 1000 टाइटल. ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स. आपको बताना है फैबियो फोग्नीनी जो है वो कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं. ATP जो है, जो हमारा ATP टाइटल होता है वो किसके लिए होता है, ये आपको बताना है ABCD ऑप्शन में से. सो ATP टाइटल इज रिलेटेड टू टेनिस. ओके, सो फैबियो फोग्नीनी इज रिलेटेड टू द टेनिस. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यू हैव टू टेल मी हियर हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज एम्बेसडर टू द रिपब्लिक ऑफ लेबेनॉन, एज वेल एज यू हैव टू टेल मी वट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ लेबेनॉन. ओके, सो फर्स्ट टेल मी द एम्बेसडर एंड देन टेल मी द वट इज द करेंसी एंड कैपिटल ऑफ लेबेनॉन. ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए. दैट मीन्स सुहेल अजाज खान इज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ लेबेनॉन. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेबेनॉन. Its capital is Beirut and the currency is pound. Okay, so I hope everything is clear to you here. Okay, so let's move to the next question. So this is the next question. Name the app that has been launched to give live information to users about the estimated turnout at during Lok Sabha post 2019. Okay, so it is about the ongoing elections and it is one important question for you. You have to tell me what is the name of the app that is related to the live turnout and what does that mean. It is about the
पीपल हु आर पार्टिसिपेटेड इन हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द वोटिंग. ओके, सो यहाँ से आपको पता चल जाए कि वोटिंग जो है उसमें रियल टर्नआउट कितना है, कितने लोग जो है वहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं. द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स वोटर टर्नआउट. ओके, सो वोटर टर्नआउट इज द एफ फॉर दिस. ओके, सो अगेन वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, हु इज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया. आपको यहाँ से मुझे बताना है कि इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन है. इसके अलावा मूव करते हैं हमारे सिक्स्थ क्वेश्चन के ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे. ओके, सो यू हैव टू टेल मी विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज 21st April. ओके, सो 21st April इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो बाकी जो सारे ऑप्शन हैं उससे रिलेटेड अगर कोई भी स्टैटिक फैक्ट है वो भी आप मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी वन द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड फॉर 2019, द IP अवार्ड. ओके, दैट मीन्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड 2019 इज वॉन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी. सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वन द नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड फॉर 2019. ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज वन क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू अ कंपनी. यू हैव टू टेल मी इंडियन पोस्ट हैज साइंड अ डील विद विच कंपनी टू ट्रांसफॉर्म इट इन टू अ डिजिटल हब. ओके, सो जो हमारा इंडियन पोस्ट है उसको कम्प्लीटली डिजिटल करने के लिए. ओके, सो टू मेक इट कम्प्लीटली डिजिटल, उसको कम्प्लीटली डिजिटल बनाने के लिए ये जो अग्रीमेंट साइन हो गया है ये किस कंपनी के साथ हुआ है. करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स TCS. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, TCS प्लस इंडियन पोस्ट, और किस चीज़ के लिए हुआ है वो वहाँ पर क्रिएट करने के लिए एक डिजिटल हब. हर एक चीज़ को ऑनलाइन करने के लिए, सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटल करने के लिए अग्रीमेंट यहाँ पर साइन हो गया है. आपको मुझे बताना है TCS का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और चेयरमैन का क्या नाम है. ठीक है, सो TCS जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में है, और इसके जो चेयरमैन है उनका नाम क्या है, नटराजन चंद्रशेखरन. ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर टू यू. ओके, सो TCS हेडक्वार्टर इज इन मुंबई एंड द चेयरमैन इज नटराजन राजशेखरन. TCS साइंड अ डील विद द इंडियन पोस्ट ऑफिस, ओके, इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट फॉर डिजिटल हब क्रिएशन. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. सो दिस इज द वन अपॉइंटमेंट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ इंडिया MD ऑफ ट्विटर. वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, हु इज़ द CEO ऑफ ट्विटर. ओके, सो यहाँ पर आपको मुझे ये भी बताना है कि ट्विटर जो है उसके CEO कौन है. करेक्ट आंसर हियर इज मनीष महेश्वरी. ओके, सो मनीष महेश्वरी इज द करेक्ट आंसर. सो एंड द हु इज द ट्विटर फाउंडर और CEO, सो द जैक डोर्से इज द CEO ऑफ ट्विटर. And you have to tell me who, where is the headquarter of it. Okay, so आपको headquarter जो है वो भी मुझे यहाँ पर बताना है. Let's move to the next question. SBI General Insurance has launched cyber defense insurance product. Who is MD and CEO of SBI Life, SBI General Insurance? Okay, so you have to tell me who is the MD CEO of SBI General Insurance as well as who is the MD CEO of SBI Life Insurance. Okay, about life. अगर आपसे पूछा जाता है SBI लाइफ इंश्योरेंस के बारे में तो आप क्या बता देंगे, ऑप्शन नंबर ए. ओके, यानी संजीव नोटियाल इज द MD एंड CEO ऑफ SBI लाइफ इंश्योरेंस, बट फॉर SBI जनरल इंश्योरेंस इट इज पुष्यन महापात्रा. ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज फॉर जनरल इंश्योरेंस. ओके, सो बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है. फॉर SBI लाइफ इंश्योरेंस इट इज़ संजीव नोटियाल, वेर इज फॉर SBI जनरल इंश्योरेंस इट इज़ पुष्यन महापात्रा. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो दिस इज द 11th क्वेश्चन. दीज क्वेश्चन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू अपकमिंग LIC EXAMINATION. ओके, सो द क्वेश्चन इज
विच इंश्योरेंस कंपनी लॉन्च्ड टोटल हेल्थ सिक्योर गोल्ड प्रोडक्ट. ओके, आपको यहाँ पर मुझे बताना है टोटल हेल्थ सिक्योर गोल्ड प्रोडक्ट जो है वो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पर लॉन्च किया है. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस. ओके, सो आपको यहाँ पर मुझे एक और चीज़ बतानी है कि बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और उसके MD कौन है. ठीक है, तो तपन जो है वो क्या है, हमारे MD हैं बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस की, हेडक्वार्टर इज इन पुणे. ओके, सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12. ओके, सो एस मुथिया पास्ट अवे रिसेंटली, ही वॉज रिलेटेड टू विच फील्ड. आपको बताना है उनकी जो डेथ हो चुकी है तो वो कौन से फील्ड से रिलेटेड है. दिस इज वन क्वेश्चन फ्रॉम ओबिटोरी एंड द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स ही वॉज अ जर्नलिस्ट. ओके, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री ओपन्ड इट्स फर्स्ट हिंदू टेम्पल. आपको यहाँ पर बताना है कौन सी ऐसी कंट्री है जिससे पहला हिंदू टेम्पल जो है उसको ओपन किया है, ABCD ऑप्शन में से. एंड यू हैव टू टेल मी ऑल दीज कंट्रीज कैपिटल एंड करेंसी. ओके, इन सारी कंट्रीज जो है उनकी कैपिटल और करेंसी भी आपको यहाँ पर मुझे कमेंट करके बतानी है. सो द करेक्ट आंसर हियर इज UAE. ओके, सो UAE इज द करेक्ट आंसर. कैपिटल इज अबू धाबी एंड करेंसी इज दिरहम. अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ UAE एंड द करेंसी इज दिरहम. वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू टेल मी विच कंट्री हैज़ इंक्रीज द हज कोटा फॉर इंडिया. ओके, सो इंडिया का जो हज कोटा है वो कौन सी कंट्री जो है उसने इंक्रीज कर दिया है और इंक्रीज कितना किया है. सो फॉर दैट सऊदी अरेबिया हैज़ इंक्रीज इंडियाज हज कोटा. ओके, पहले जो हज कोटा था वो कितना था, 175,000 था, लेकिन अभी वो कितना हो गया, 2 लाख हो गया है. किसने किया है ये, सऊदी अरेबिया ने किया है. ओके, सऊदी अरेबिया ने जो ये हज कोटा था उसको क्या कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है इंडिया के लिए, यानी इंडिया की तरफ से वहाँ पर अब ज़्यादा लोग जा पाएंगे. सऊदी अरेबिया जो है उसकी कैपिटल क्या है, रियाद है, और करेंसी क्या है यहाँ पर, हमारी रियल है. आई होप एवरीथिंग इज जस्ट क्लियर. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 स्टार्टेड इन विच सिटी. आपको यहाँ पर बताना है एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जो है वो कहाँ पर शुरू हो गई है, ऑप्शन नंबर ABCD में से. ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज दोहा, विच इज़ इन कतर. ओके, सो दोहा द कैपिटल ऑफ द कतर इज द वेन्यू. एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप फॉर 2019 स्टार्टेड इन दोहा. ओके, सो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन है. एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जो है उसमें एट दिस टाइम जो इंडिया चल रहा है वो 3rd पोजिशन पर चल रहा है. आपको बताना है कि यहाँ पर मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अनु रानी वॉन सिल्वर मेडल एट द एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप. अनु रानी जो है उन्होंने क्या जीत लिया है, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत लिया है. आपको यहाँ पर क्या बताना है, शी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स. आपको मुझे बताना है अनु रानी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स एज वेल एज शी इज फ्रॉम विच स्टेट. ओके, सो अगर आपसे स्टेट पूछा जाता है अनु रानी का तो आप वहाँ पर क्या बताएंगे, यहाँ पर आपको कमेंट करना है. ओके, सो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी जैवलिन थ्रोवर. ओके, सो अनु रानी जो है वो क्या है, जैवलिन थ्रोवर हैं, और वो कहाँ से बिलोंग करती हैं, मेरठ UP से वो बिलोंग करती हैं. ओके, सो ये वाली चीज़ जो है आपको यहाँ पे याद रख लेनी है. कोई भी अगर आपके साथ सामने स्पोर्ट्स पर्सन आता है, ठीक है, तो उसका स्टेट भी आपको पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए वो किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है. ओके, ये सारी ही चीज़ें जो है आपको क्लियर होनी चाहिए. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16. एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2019 विल बी हेल्ड इन विच कंट्री. आपको बताना है ये हमारी बात क्या हुई, एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप की हुई. यू हैव टू टेल मी हियर व्हाट इज द वेन्यू ऑफ एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप जो आपका कब होने वाला है, सेप्टेम्बर 2019 में होने वाला है. उसका वेन्यू भी आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है. करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स अस्ताना कजाकिस्तान. अस्ताना इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान एंड इट विल बी द वेन्यू ऑफ एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप फॉर 2019. कजाकिस्तान अस्ताना एंड द करेंसी इज टेंगे. ओके, सो दिस इज द करेंसी ऑफ कजाकिस्तान. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
Tajinder Pal Singh Tour won a gold medal at the Asian Athletic Championship 2019. He is related to which sport? So you have to tell me Tajinder Pal Singh is from which state and as well as he is related to which of the following sports. Okay, so the Tajinder Pal Singh Tour, he is from Punjab. And he won recently a medal at the Asian Athletic Championship. He won a gold medal. ओके सो आपसे पूछा जाए उन्होंने कौन सा मेडल जीता है तो यू विल टेल देम कि हमने उसने तजिंदर पाल सिंह तूर जो है उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल ठीक है और वो स्पोर्ट्स से किससे रिलेटेड है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर दैट मीन शॉर्ट पुट ओके सो तजिंदर पाल सिंह तूर इज फ्रॉम पंजाब एंड ही इज रिलेटेड टू शॉर्ट पुट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन Who won India's first gold medal at the Asian Athletic Championship 2019? This is one important question. ये सबसे ज़्यादा important question है आपके लिए आपको बताना है Asian Athletic Championship जो हुई उस time पर वहाँ पर कितने मेडल जीत चुके हैं अभी तक तजिंदर पाल तूर जो है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इसके अलावा एक और कैंडिडेट है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है वो कौन है आपको बताना है एंड द करेक्ट आंसर ही इज़ द गोमती मरिमुथु ओके सो गोमती मरिमुथु इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हियर आपसे अगर पूछा जाएगा फर्स्ट गोल्ड मेडल किसने जीता गोमती थू ने जीता सेकेंड अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे तजिंदर पाल सिंह तूर बता देंगे ओके एंड शी इज फ्रॉम विच स्टेट आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि गोमती मरिमुथु जो हैं वो कौन से स्टेट से रिलेटेड हैं एंड वन मोर थिंग वो जो हैं वो क्या हैं रनर हैं और उन्होंने 800 मीटर कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है ये भी आपको पता होना चाहिए एंड शी बिलोंग्स टू तमिलनाडु ओके वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है तमिलनाडु से वो बिलोंग करती हैं लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच डे इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड बुक डे आपको यहाँ पर मुझे बताना है वर्ल्ड बुक डे जो है वो कब मनाया जाता है 22 अप्रैल जो है वो मैं आपको काफ़ी बार बता चुकी हूँ इट इज़ सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड अर्थ डे 23 अप्रैल इज द करेक्ट आंसर हियर विच इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड बुक डे ओके सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ओके सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हियर लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच सिटी हैज बिन डिक्लेयर एज अ वर्ल्ड बुक कैपिटल आपको यहाँ पर बताना है इनमें से कौन सी सिटी जो है उसको वर्ल्ड बुक का कैपिटल बोला गया है दिस इज वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे वर्ल्ड बुक डे भी ना पूछा जाएगा तो ये वाला डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इट इज़ द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ओके सो द करेक्ट आंसर इज बी दैट इज शारजाह इन यूएई इज द वर्ल्ड बुक कैपिटल ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर यूएई अगेन अबू धाबी एंड द करेंसी इज दिरहम ओके सो आपको बाकी यहाँ पर फ्रांस जो है उसकी करेंसी बतानी है आपको मलेशिया जो है उसकी भी करेंसी यहाँ पर कमेंट करके यहाँ पर बतानी है आई होप कि आपको जो सारी क्लास है सारे क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आए होंगे किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप डेफिनेटली वो कमेंट कर सकते हैं क्योंकि आपके कमेंट करने से वो डाउट डेफिनेटली क्लियर होगा आप एक दूसरे की हेल्प करने की वहाँ पर कोशिश कीजिए ठीक है सो 20 क्वेश्चन आज की क्लास में हमने किए आपको यहाँ पर मुझे कमेंट करके बताना है कि कितने क्वेश्चन जो हैं आपके यहाँ पर ठीक हुए हैं अगेन वन मोर थिंग मैं आपका स्टैटिक अवेयरनेस का जो क्लास करवा रही हूँ वो भी आपको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए और अगर आप चाहते हैं बैंकिंग अवेयरनेस कवर करना तो उसके लिए आप कुछ सर का क्लास जो है उसको अटेंड कर सकते हैं जिससे आपका जो कंप्लीट जनरल अवेयरनेस सेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आपके ये दो सेक्शन जो है वो भी इम्पोर्टेंट है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं अपने जीए सेक्शन में तो ओके काफ़ी बच्चे यहाँ पर क्या कर देते हैं करंट अफेयर सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करते हैं बैंकिंग पर फोकस नहीं करते और स्टैटिक पर नहीं करते हैं देखो स्टैटिक और बैंकिंग ऐसी चीज़ है उनमें क्या है आपके पास डेफिनेट चीज़ें हैं आपको पता है कि यही चीज़ें आने वाली हैं तो इन दोनों सेक्शन पर भी आपको पूरा पूरा फोकस करना चाहिए ओके सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे